नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास भी भ्रष्टाचार के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर डूडा विभाग जमकर धनुगाही कर रहा है। ताजा मामला सरायलखनसी थाना क्षेत्र के गालिबपुर का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन की जांच करने गए डूडा के जेई सर्वजीत सिंह लाभार्थियों से ही आवास के एवज में धनुगाई कर रहा था। इसी बीच नगर पालिका के सभासद प्रतिनिधि इंद्रदेव मौके पर पहुंच गए, जहां पर डूडा के जेई सर्वजीत सिंह ने इंद्रदेव से उलझ पड़े और जमकर गाली गलौच करने लगे, जिसके बाद जेई सर्वजीत सिंह ने ही उल्टा भाजपा नेता व सभासद प्रतिनिधि के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले की सूचना जब सभासद व भाजपा नेता इंद्रदेव को हुई तो आनन फानन में थाने पहुंचकर जीई के खिलाफ धनुगाही व गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो थानाध्यक्ष ने भाजपा नेता इंद्रदेव की तहरीर लेने से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि भाजपा सरकार में खुद भाजपा नेताओं की पुलिस नहीं सुन रही है तो आम जनता की क्या सुनती होगी। इस घटना को लेकर भाजपा नेताओं में काफी आक्रोश है व इस घटना की जानकारी भाजपा ने अपने आला नेताओं को दी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा के शीर्ष नेता एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभासद प्रतिनिधि इंद्रदेव के भ्रष्टाचार की लड़ाई में कितना साथ देती है। जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संस्कृत मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र से और वार्ड नंबर एक के सभासद प्रतिनिधि हैं। क्या ऐसा भाई साहब कि ये डूडा से किस 5-6 हजार के संविदा पे मानदेय पे लोग काम करते हैं, उनको लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये सर्वे करें कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है और उसके साथ जियो टेकिंग करके उसकी सूची बना करके और बायोडाटा और फार्म करके जमा करना है। ये लोग क्या करते हैं कि प्रति लाभार्थी पीछे ये 20,000-25,000 रुपया मांग करते हैं, जो पैसा देता है उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा करके डूडा कार्यालय में जमा करते हैं, जो पैसा नहीं देता उनकी किस्त और फार्म जो अधूरा डाल करके डाल देते हैं और हम लोगों से कोई संपर्क नहीं है। तो कल ये हुआ कि ये मांग रहे थे पैसा लाभार्थियों से, लाभार्थी ने कहा भैया हम पैसा नहीं देंगे। जब मांगना शुरू किए तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब आए हुए हैं कोई नगर पालिका डूडा ऑफिस से, कह रहे हैं कि हम यही हैं और तो 25,000 रुपये चलो अपने खाते से उतार के दो, उनको अड़काल करनी है दोगे तो तुमको हम बंद करा देंगे, मेरा पैसा वापस करा देंगे। वो दोनों भाई पासबुक लेके बैंक जा रहे थे पैसा उतार के लेने के लिए, तब सबको फ़ोन कर दिए, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ या बात कराने के लिए कहा तो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं